नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल बी टाउन हलचल में। सारे शाहरुख खान फैंस के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज लेके आ गया हूँ। शाहरुख, आप लोगों को पता होगा 2014 साल के बाद से शाहरुख खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पा रहा है। उसके रीजन क्या था, वो रीजन अब हट चुका है उनकी सर के ऊपर से। उससे पहले ये रीजन क्या है आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए सबसे पहले केआरके सर का एक ट्वीट आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। केआरके सर ने शाहरुख सर को टैग करके एक ट्वीट किया, कांग्रेचुलेशन ब्रो एसआरके, नाउ योर कंपनीज ऑल द फिल्म विल बिकम सुपरहिट बिकॉज हैशटैग गौरव वर्मा हैज लेफ्ट योर कंपनी। इसके लिए आपको शुक्रिया भी करना चाहिए उनका, उनके रिजाइनिंग के लिए। तो हाँ, आपने सही सुना कि गौरव वर्मा जो शाहरुख खान की एडवाइजर थे उनको रिलीज डेट बताते थे, कौन सी रिलीज डेट बेहतर होगा, स्क्रिप्ट चूजिंग, बिजनेस आइडिया सारे कुछ ये गौरव वर्मा ही देते थे। जब से शाहरुख खान के पास गौरव वर्मा आया है, सच में शाहरुख सर की वर्ड लग गया है। ये 100% एसआरके फैन इसमें एग्री कर रहे हैं इस ट्वीट से कि गौरव वर्मा एक बहुत बड़ा पनौती नहीं कहूंगा, बहुत सारे रिट्वीट्स में पनौती पनौती लिखा है, लेकिन एक बोझ था कि शाहरुख खान को अच्छे आइडियाज नहीं दे पा रहे थे, अच्छे क्लैश रिलीज डेट नहीं दे पा रहे थे, बिजनेस आइडियाज नहीं दे पा रहे थे, स्क्रिप्ट में भी गलतियां थे बहुत सारे, जिसके चलते शाहरुख खान के करियर पे बहुत बड़ा एक असर पड़ा था। अब फाइनली गौरव वर्मा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट छोड़ने मतलब रिजाइन दिए हैं और शाहरुख ने शायद रिजाइन एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया, लेकिन जब भी कंफर्म हो जाए, रिजाइन कंफर्मेशन हो जाए, मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा। उससे पहले आप लोग कितना खुश हुए हैं कि इनके जाने से, इनका कंपनी छोड़ने से। मुझे तो लगता है जितने एसआर के फैंस है वो सारे के सारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब जो फिल्म आएगा कमर्शियली जरूर सुपरहिट हिट होगा ही होगा, एक कन्फर्म लिख के ले लो, और अच्छी स्क्रिप्ट के साथ भी आएगा। क्योंकि जब से 2014 के बाद से आए जो पीआर टीम है शाहरुख सर के चेंज हुआ, उसके बाद से क्या अनाप शनाप स्क्रिप्ट शाहरुख सर को सजेस्ट कर रहे थे ये लोग पता नहीं, और बिजनेस में भी घटिया घटिया सोच शाहरुख सर के दिमाग में डाल रहे थे, जिसके चलते उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में थोड़ा पीछे होते नजर आ रहे थे। क्योंकि जो दूसरे स्टार 250 करते थे तो शाहरुख खान को मुझे लगता है कि 300 करना चाहिए, अगर कोई 300 करते तो शाहरुख खान 400 करना लायक है। लेकिन ये आने के बाद, गौरव वर्मा आने के बाद ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ, पूरा उल्टा हो गया है। तो आप लोग कितना खुश हो गए हैं कि गौरव वर्मा ने रेड चिलीज छोड़ने का फैसला लिया, और मुझे लगता है शाहरुख सर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उनकी रिजाइनिंग। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अपना कितना खुश है और आप क्या चाहते हैं, गौरव वर्मा छोड़ के चले जाए और ऐसा के सर एक्सेप्ट करे रिजाइनिंग। तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और जरूर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पक्के एसआर के फैंस हैं तो।